Well, hey guys, welcome to our YouTube channel. पूरी टाइम पे एंट्री मारती है तो गाइस आपको देख के लग ही गया होगा मैं तो चलो नॉर्मल सा ही हूँ, बट ये देखो कितनी रेडी हुई पड़ी है। और ये अभी क्या सुना रही हो? हाफ बन बनवा रही है। और हम गाइस जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं कहीं, और क्यों इनको टाइटल से पता चल ही जाएगा। तो गाइस हम जा रहे हैं डिनर डेट पे, क्योंकि आज ईशा का पैकअप जल्दी हो गया और हमें परमिशन भी मिल चुकी है बाहर जाने की थोड़ी सी जबरदस्ती। क्यों, मैंने आपको पूरे दिन बनाया, आज यहाँ परमिशन दे देना। तो आज इसको टाइम मिल गया फाइनली और हम जा रहे हैं घूमने और देखते हैं क्या होता है। सो गाइस डिनर डेट पे जाने से पहले हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। हाँ गाइस, सो हमने फुटवेयर की शॉपिंग की है कुछ टाइम पहले और अपने वार्डरोब में न्यू कलेक्शन ऐड किया है और कुछ कलेक्शन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फैशन भी होगा और टशन भी, कंफर्टेबल स्टाइलिश और दमदार शूज का ये कलेक्शन आपके स्टाइल को और बढ़ा देगा। चाहे ऑफिस हो, पार्टी हो, जिम जाना हो, कॉलेज जाना हो, रनिंग करनी हो, ये शूज हमेशा आपके साथ हैं। ये फुटवेयर ब्रांड में 2-3 हज़ार रुपए के मिलते हैं, बट अगर आप मेरे लिंक से लोगे तो आपको आपके वर्थ रुपीज में मिलेंगे ये शूज। तो गाइस आपको हर फुटवेयर पे 70-80% का ऑफ मिलेगा और अगर आप न्यू कस्टमर है तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। गाइस सारे शूज आपको 5-स्टार पॉलिसी के साथ फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, 5 डेज रिटर्नेबल एंड 5 डेज एक्सचेंजेबल ऑफर के साथ मिलेंगे। आप देख सकते हो कि दूसरी वेबसाइट पर इनके प्राइस क्या है और हमारी वेबसाइट पर इनका प्राइस क्या है। तो गाइस बात करते हैं डील ऑफ द डे की। इस शूज का ओरिजिनल प्राइस है 549, बट अगर आप इसे डील ऑफ द डे में ग्रैब करते हो तो इसका प्राइस हो जाता है 499 रुपीज। एंड वन मोर थिंग गाइस, डील ऑफ द डे इज अवेलेबल फॉर 24 आवर्स, सो गो एंड ग्रैब योर शूज। अगर आपको शूज का कलेक्शन पसंद आया है तो हमारे लिंक से शॉप करें और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। So what are you waiting for guys? Go and shop now. Go! हाँ, सो गाइस ईशा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पहले इसने कुछ और ही पहन लिया था, मैंने कहा ये क्या पहना है, तो फिर इसने मैंने चेंज की, इसने चेंज किया, सारे प्रोडक्ट्स गिर गए। और ये बैग तो ऐसे उठा लेती जैसे इसको लेके ही जाएगी। अब इसका मास्क रह गया, अब मैं मास्क लेने जा रहा हूँ ब्यूटी क्वीन से। सॉरी, आजकल तो ये मेरी बिजनेस पार्टनर है, ब्यूटी क्वीन नहीं है। तो मास्क मिल गया और अब हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, बट इसको मेरे लिए टाइम मिल गया, बस मैं तो इसी में खुश हूँ। चलो अभी ब्लॉग के टाइम इसका कुछ गिर गया। क्या क्या ढूंढ रही हो? मेरा कॉम्पैक्ट बताओ, अब तुम बाद में ढूंढ लेना। अब क्या ये बाद में ढूंढ लेना, चल रहे हैं ना वहाँ पे, अभी एंजॉय करो मेरे साथ, इसको ये सब मत करो यार। सो हाय एवरीवन, बहुत दिनों के बाद फाइनली मेरे को टाइम मिला है और अभिषेक और मैं जा रहे हैं डेट पर। कल भी ये जल्दी फ्री हो गई थी, पर मैं कल जब इसको पिक करने गया फिर इसका कुछ ना कुछ आ गया और मेरा मूड इतना स्पॉइल हो गया। मैं इसके लिए इतनी वेट करता हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। और एक्चुअली बहुत मेरे लिए वेट करते हैं और हम लोग बहुत ऐसे सोचते हैं कि कब हमें कहीं जाने का टाइम मिलेगा। आज मैं, हमारे बहुत खुश है और हम पूरा फुल एंजॉय करके आएंगे और आज तो फुल एंजॉय करेंगे, रात में बहुत लेट वापस आएंगे और सुबह 7 बजे का कॉल, 7 बजे का कॉल टाइम है। बट अगर हम यही सोचते रहेंगे तो हम कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है एक दिन। मेरे पास तो टाइम बहुत होता है यार, ये तो बहुत ज्यादा बिजी होती है, ये मेरे लिए बहुत वेट करता है। आज भी इसको ऐसा था कि यार जल्दी हो जाए, पैकअप होगा या नहीं होगा, फिर कुछ नया ना। आज भी मुझे था नहीं, बट फाइनली हो गया, और पैकअप हो भी जाता है तब भी इसकी पता नहीं क्या क्या चीजें बची रहती हैं। डबिंग होती है कभी, कुछ वीडियो कॉल होती है, कभी कॉन्फ्रेंस होती है, कभी
न्यूज रिपोर्टर्स आए होते हैं, इतना कुछ होता नहीं, मैंने इसकी थोड़ी हाइप बढ़ाने के लिए बोल दिया है, पर चलो ठीक है, कोई नहीं, पर हम मैं बहुत खुश हूँ आज इसका, तो मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, ये हम मस्ती करेंगे बहुत और आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। और हमने मेनली इसलिए सोचा है व्लॉग बनाने के लिए क्योंकि हमें बहुत टाइम बाद मौका मिला है जाने का बाहर, हम डेट पे जा रहे हैं तो हम आपके साथ हमारी डेट शेयर करेंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और हम आ गए हैं, हम हमारे फेवरेट कैफे आए हैं, तो हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि हम कहाँ आए हैं। और आज तो भाई फुल खाना पीना, इसने दोपहर में, तू खाती क्यों नहीं हो, क्या हो गया तुम्हें, आज दिल नहीं किया, आज मैंने भी लंच नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं चला। चलो वैसे चलते हैं अंदर, अंदर चार पांच कैफेज हैं, हम डिसाइड करेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके ही कहां पे जाना है। और मैं तो इनकी पिंकी पॉन्ग की थी। Which cafe you wanna go, Miss Isha? अभी डिसाइड करते हैं, हम जेसी भी जा सकते हैं। और यार मुझे यही अच्छा लगता है जहाँ हम गए थे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कहीं तो बाहर ही बैठते हैं सर। हाँ कहाँ बैठोगी, हम अंदर ही चलते हैं, अंदर चलो। मतलब हम पहले यहीं पे आना, यहीं पे आए थे, बट हमें हमें सीटिंग अच्छी नहीं लगी तो हम बाहर चले गए, फिर हम जब दोबारा से आए तो ये वाला जो प्लेस था खाली हो गया था, तो हम यहाँ बैठ गए। चलो अब ऑर्डर करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। चलो ऑर्डर करो। ऑर्डर तो ठीक है, मुझे नहीं का मैं बहुत मैसेजेस आ रहे तुम्हारे फोन पर। हाँ जब मैं जरा मेरे को ना इनका मेन्यू देर के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं अभी बैठी हूँ ट्रेनिंग, मुझे इनका ये मेन्यू कार्ड नहीं पसंद आया, वो चाहे ना पसंद आए बट आंसर मी। ऑर्डर करो यार, यार फ्रेंड्स भी होते हैं, और ये मेरा फोन न, ये मेरा फोन फ्रेंड्स भी होते हैं, इस वर्डिंग को आप लोगों ने भी सुना है और मैंने भी, और ये बात आगे तक जाएगी कि फ्रेंड्स भी होते हैं और मेरी बारी में भी फ्रेंड्स होंगे। मैं कुछ कह रहा था कि और ये मेरा फोन ना हर दूसरे मिनट में चेक करने लग गया आजकल, ऐसा क्यों? अरे yesterday you checked my phone for 5 times। मैं चेक नहीं कर रहा था, मैं नॉर्मली वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था, मुझे तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट है ही, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज है ही नहीं। हाँ थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज वैसे हम में ऐसे कोई भी ऐसे इश्यूज हैं नहीं, हम तो थोड़ा ये लड़ती है। चलो ऑर्डर करो। हाँ पिज्जा मंगा लेते हैं, गार्लिक ब्रेड ऑर्डर कर लेते हैं, गार्लिक ब्रेड हमारा फेवरेट, वो ऑर्डर कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे, पहले इतना तो खा ले। पीने को तो मंगा ले, तो मंगा। चलो मैं पीऊँगा ओरियो शेक। चलो आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है ना, कोई बात नहीं, व्लॉग देखने के बाद आप लोग भी खा पी लेना। हम थोड़ा लेट आए थे, ये हमारा लास्ट ऑर्डर ही था, तो मैं ना विदाउट वेजिटेबल्स वाला पिज़्ज़ा खाता हूँ, तो मेरी शीशा कहती है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए खा लूँगी, बट तो गाइस फाइनली हमारी डेट स्टार्ट हो चुकी है, अब हमें थोड़ा सा टाइम दे दो आपस में हमें बात करने का, नॉर्मल बातें और कौन सी बातें होती हैं, इतनी बिजी है स्टोरी, लुक देख रहे ऐसी खतरनाक सी, स्टोरी देख लो जाके जाओ। ओ भाई क्या है ये, इतना इतना वो कौन खाता है स्पाइसी करके, मोटी सी पेट तू देखो। गंदे से हाथ है मेरे। हाँ डेट पे हैं और इसकी चुगलियाँ ही खत्म होती सेट की। क्या मैंने नहीं की तो मैं तुमसे ही तो शेयर करती हूँ, और किससे करूँ मेरे साथ तुम शेयर करती। हाँ
ये मेरे साथ एक चीज भी शेयर नहीं करती, पता है, अपनी सारी चीजें अपनी दिल में रखती है और कुछ भी शेयर नहीं करती मेरे साथ। और गाइस हम दोनों ही हैं इस कैफे में, खाली बड़ा देते हैं, सारे लोग चले गए, सारे लोग क्या थी, पूरी फैमिली थी, सो मिस जैस्मिन संधू जी फ्रॉम उडारिया, या आई मीन मेरे भी तुम्हारे थोड़े से या कम अच्छी थी डेट हमारी, चुगलियाँ ही करी हैं और इसने तो चुगलियाँ ही करी हैं और मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया, कुछ क्या ही बोलूँ मैं आपको, बता ही नहीं सकता पर इसको तो पता ही है, इसको भी मैंने ऐसे बहुत टाइम के बाद बताया था जब हद से बाहर पार हो गई थी। और अब आपको पता हम कहाँ जाने वाले हैं? कब एरिया बदलना हो गया? वेल जाएंगे यानी कि जाएंगे, बताओ ना कहाँ जा रहे हैं? आप ही बता दो, तुम बताओ। बहुत अजीब सी सिचुएशन है इसमें, ना बता सकता हूँ ना कुछ नहीं कर सकता मैं वैसी सिचुएशन में। और ये मैं डिलीट नहीं करूँगा, डिलीट नहीं करूँगा, मुझे कुछ बताया, लेट देम गेस, और मेरा मूड ठीक हो गया तो ठीक नहीं हुआ है, पर आपके लिए मूड ठीक करना पड़ रहा है। तो गाइस हम जा रहे हैं कल्चर 26 सेक्टर, क्योंकि इसको डांस करना है, इसका बहुत मन कर रहा है डांस करने का। और अगर किसी लड़के ने घूरा अरे आई विल बी कबीर सिंह, ये तो इसका बहुत ज्यादा ऐसा पॉइंट है, ये हमेशा ऐसे करता है, कोई थोड़ा भी बोल दे क्या किसी, कभी कभी तो बेचारे लड़कों की ऐसी ज्यादा गलती होती भी नहीं है, फिर भी ऐसे चढ़ने के लिए तैयार ही खड़ा रहे। और मेरी लुक कैसे होती है अगर अगर ऐसे किसी ने कुछ बोल दिया ना, और अगर सेट पे इसको कोई कुछ गलत बोल दे, केयरिंग तो बहुत ज़्यादा ही हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि मैं गलत होती तब भी मेरा साथ देगा, मैं गलत होती तो ये मुझे ही गलत बोलता है, लेकिन ऐसे तो बहुत मेरा सपोर्ट करता है। ओके गाइस तो हम हमारे फेवरेट कैफे से खाकर निकल चुके हैं और अब हम जाएंगे, हाँ खाकर और पीकर, खाकर और पीकर निकल चुके हैं और अब हम जाएंगे हमारे और अब हम जाएंगे अगली फेवरेट डेस्टिनेशन पे डांस करने, वो बॉलीवुड म्यूजिक में। रेड वाला साइन आ रहा है ट्रैफिक सिग्नल पे, तो हम रुक गए और हम ऐसे इसलिए हो रखे हैं थोड़े लेजी से क्योंकि हम कल्चर गए थे, वो हमारी फेवरेट जगहों में से एक है और वो आज बिल्कुल खाली पड़ा था, लिटरली कोई भी नहीं Because था बिकॉज ऑफ थर्सडे, तो हम वापस आ गए फिर क्योंकि अगर क्राउड ही ना हो तो फिर वहाँ पे मजा नहीं आता। और हम अंदर गए और विद इन 2 मिनट्स हम बाहर भी आ गए, बाहर आ गए हम, सिर्फ ये देखो ये थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा ना स्टिकर, स्टिकर देखो टैग लगवा के वापस आ गए, पर हमने एक क्लिप सी बना लिया आप लोगों के लिए, वो आपने देख ही ली होगी। हाँ बहुत बोरिंग था, मेरा बर्थडे भी थर्सडे को था, उस दिन भी हम गए थे तो उस दिन भी, उस दिन बट क्राउड था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फ्राइडे की
और फ्राइडे सैटरडे संडे का बहुत इम्पोर्टेंट। कार मतलब पार्क करने की जगह भी नहीं होती, इतना रश होता है। पर ठीक है, 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट और हम रोमांटिक रोमांटिक गाने सुनते हुए धीरे धीरे घर जा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड कर सकें और ब्यूटी क्वीन हमें कुछ बोले भी ना, क्योंकि हम तो घर से निकल चुके हैं ना, अब थोड़ा तो टाइम लगता ही आने में। जहाँ 20 मिनट दिखा रहा है वहाँ पे इसको मैं 40 मिनट करने वाला हूँ ताकि और जाके हमें और इसमें कुछ भी नया नहीं है, हर बार ऐसे करता होता है ये, अपनी गाड़ी 20 की स्पीड पे चलाता है, लिटरली 20 पे। मैं अभी भी आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी कि कितनी धीरे चल रही है हमारी गाड़ी। हमसे तेज साइकिल वाला जा रहा है। ओ भाई आप देखो, मैं एक एक पेड़ की पत्तियां भी गिन सकते हो आप, कितनियां कितनी हम इतनी धीरे जा रहे हैं। अभी थोड़ा तेज तो चलाओ। मैंने बोला ना मैं 20 मिनट जहाँ लगने वहां मैंने 40 मिनट्स लगाने हैं। तुम मुश्किल से मेरे को टाइम देते हो, मुश्किल से फ्री होते हो, मैं ये टाइम इतना प्रेशियस टाइम स्पॉइल नहीं करना चाहता। कितना प्यारा गाइस, फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं। फाइनली क्या क्यों पहुंच गए हैं, पर चलो ठीक है, खांसी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम दवाई नहीं खाते और ऊपर से तुमने अभी कोल्ड कॉफी भी पी। प्लीज, जब मैं ऑर्डर कर रहा तब इसने एक बार नहीं बोला कि मत पियो मत पियो मत पियो, अब जब मेरे को खांसी, जब फिर मैं ऐसे कुछ बोलूंगी तो तुम बोलोगे हर चीज में इसको प्रॉब्लम होता है। मैं और ये चीज मैं बोलता ही हूँ, तुम लुक देते हो ना, लोगों ने ना इसका भी अलग अलग बना के हर व्लॉग में जो तुमने कोई लुक दिया अलग अलग बना के टैग करेंगे जिस तरीके का अभिषा वाले। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अभिषा इतने सारे फैन पेजेस बन रहे हैं और इतने गॉड यस आई फॉरगॉट यार, इतने सुंदर सुंदर एडिट्स, इतने सारे फैन पेजेस, थैंक यू गाइस। और हम ये बात भूले नहीं है कि हमें रिएक्टिंग टू फैन एडिट्स वाली वीडियो बनानी है, मुझे सब हम रोज याद दिलाते रहते हैं अभिषा वाले, तो डोंट वरी गाइस हम बहुत जल्दी बनाएंगे, बस उसके लिए थोड़ा सा ना फ्री टाइम चाहिए, तो हम बनाएंगे फ्री टाइम चाहिए। और गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं और यहां पे हम व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि अब हम जाके सोएंगे और 7 बजे का कॉल टाइम है, अभी भी 1 बज चुके हैं और हमें अभी भी एक प्रमोशनल वीडियो बनानी है जिसके लिए एग्जैक्टली जिसमें हमें 2 बज जाएंगे बनाते बनाते 2 बज जाएंगे और फिर हमें सुबह उठना है और फिर सोना भी है और फिर सुबह सुबह जिम भी जाना है, बहुत दिक्कत है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट लगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।